रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य के सबसे पुराने साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आज हम शिवना प्रकाशन के सौजन्य से लेकर आए हैं मुर्दा स्थगित। संपादकीय चेतावनी, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये प्रस्तुति केवल वयस्क श्रोताओं के लिए अनुमोदित है और सामान्यतः नाबालिगों के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रस्तुति की भाषा कठोर व अशालीन हो सकती है। धन्यवाद। रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप सुन रहे हैं मशहूर लेखक महेश कटारे की लिखी मुर्दा स्थगित, आवाज लोकेश गुप्ता की। शहर के अखबार तो पिछले कई दिनों से चिल्ला रहे थे कि जिस दिन हुजूर की पुत्री ससुराल जाएगी सारा शहर रोएगा। बात कहने का ढंग कुछ फूहड़ हो गया, अन्यथा रोने को भी अलंकृत किया जा सकता है, जो कि अखबार कर रहे थे। यथा हर आंख नम होगी, प्रेमाश्रु के मोतियों की बरसात के बीच डोली उठेगी, नगर की जनता आंखों के जल से अर्घ्य देगी, आदि आदि। सबका सीधा सार्थ यही कि शहर रोएगा, और चूंकि वो शहर का नागरिक है अतः उसे अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाना है। कर्तव्य पालन में अखबार चौकस था, अतः घुमा फिरा कर ये सूचना दे ही देता था कि अमुक दिन आपको रोना है, किंतु वो सोचता था कि अभी तो वो दिन दूर है, देख लेंगे। परसों अचानक लेटे लेटे उसे ख्याल आया कि कल बारात आने वाली है, एक दो दिन बाद विदा होगी, वह देखे तो कि विधि पूर्वक रो सकेगा कि नहीं। अंधेरे कमरे में रजाई से ढका वो रोने की रिहर्सल करने लगा। कुछ फिल्मों और नाटकों के दृश्य याद कर वो करुणा और संवेदना को आंखों की ओर समेटने लगा। 7-16 बच्चा कुनमुनाया तो उसकी क्रियाशीलता बाधित हुई, हल्का सा गुस्सा हो आया। ठीक तभी लगा कि बच्चे दो भी ज्यादा हैं, सिर्फ एक हो जिसे पत्नी ही संभालती रहे। अचानक उगे गुस्से के कारण कोशिश से पैदा की गई करुणा डर कर छिटक गई। ये तो तय था कि उसे रोना है, देखना यही था कि वो कितने बेहतर और शिष्ट ढंग से रो सकता है। अचानक याद आया कि स्कूल तथा कॉलेज के शुरुआती दिनों में वो शीशे के सामने खड़ा होकर नाटक का, भाषण का अभ्यास किया करता था। अभी भी दाढ़ी छीलते या बाल काटते वो अनेक मुद्राओं का अभ्यास दोहरा लेता है। उसने रजाई सरकाई और खड़े होकर शीशे की जगह टटोली। बत्ती जलाने से पत्नी जाग सकती थी। अपने देश में औरत को तो हर जगह हर तरह से रोने की सुविधा है, किंतु वो मर्द है। शीशा हाथ में ले वह पाखाने में जा घुसा था। कल बारात आ गई थी। अगवानी से लेकर जनवासे तक के रास्ते सज चुके थे, शेष शहर भी सज रहा था। आजादी के बाद वर्ष समर्पित किए जाने की परंपरा है। पहले ही घोषणा हो जाती है कि अगला वर्ष महिला वर्ष होगा या विकलांग वर्ष। चुनाव वर्ष तो ऋतु चक्र की तरह हर 5वें साल आता ही है, पर जैसे कि प्रकृति कभी कभी उत्साहित हो ठेठ जेठ में भी बाढ़ ला देती है, या भर पावस में लदे फदे बादल अधिकारियों की मीटिंग की तरह बिना कोई निर्णय लिए प्रिसीडिंग में अगली मीटिंग की सहमति दर्ज कर घर चले जाते हैं, चुनाव वर्ष भी आगे पीछे हो लेता है। चालू साल सूखा वर्ष है, किसान चिंतित है, सरकार चिंतित है, शहर भी चिंतित है। शहर की सीमाएं और भी हैं, मसलन रामायण सीरियल के समय विद्युत विभाग की लापरवाही, क्रिकेट खेल के प्रसारण होना न होना, सिगरेट शराब की कीमतों का बढ़ना, बाबरी मस्जिद वगैरह। गांव एक सूची कार्यक्रम के तहत सूखा वर्ष मना रहा है। पानी धरती के पेट के नीचे धसक गया है। किसान के पशु परिवार को चारा नहीं, वो हाथ चला भी रहा है और जोड़ भी रहा है और भी काम कर रहा है। शहर काम नहीं करता, वहां सरकार रहती है सो वही काम करती है। शहर विरोध
या समर्थन करता है। शहर में सूखे का असर नहीं है, बड़े बाजारों और बड़ी सड़कों पर तो बिल्कुल नहीं। सूखे की क्या मजाल की उधर का रुख करे। सूखे की प्रिय बस्तियां और गलियां यहां भी हैं, किंतु वे राजमार्गों या मीना बाजारों से दूर रखी जाती है। हर मौसम के अनेक लाभ हानि हैं। सूखे के मौसम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मेहनत सस्ती हो जाती है। सरकार के नैतिक और राजनीतिक दायित्वों के तहत सूखा पीड़ित शहर की सड़कें और भी चिकनी की गई। गांव से ट्रकों ट्रॉलियों में सूखी मिट्टी लाकर शहर की पथरीली जगहों पर बिछा हरियाली रोपी गई। शहर को खूबसूरत बनाना है। आज तो शहर बेहद खूबसूरत हो उठा है। दुल्हन की तरह सजा कहना शहर का अपमान करना है। दुल्हन तो हर किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बेटी भी बन जाती है। कहना होगा कि शहर अप्सरा की तरह सजा है। एक बात समझना जरूरी है, गांव तो मिट्टी है, मिट्टी का सजना क्या और न सजना क्या। कस्बे कभी कभी सज लेते हैं, शहर तो सजे ही रहते हैं। त्योहार उत्सव पर वे विशेष रूप से सजते हैं और राजधानी वो नित नई सजती है, वरांगना की तरह। आज शाही सवारी निकलेगी, जनता आकुल व्याकुल है दर्शन के लिए। तरह तरह के बैनरों से सजा स्वागत द्वार हजारों हजार। हुजूर महामहिम है, वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सब कुछ जनता के लिए चाहते हैं। वे लोकप्रिय हैं क्योंकि हर महामहिम लोकप्रिय होता है। उनका हर काम जनता का काम होता है, जनता के लिए होता है। जनता अनुग्रहित है कि जो काम वह नहीं कर पाती उसे महामहिम कर लेते हैं। यही देखिए कि इस साल सूखे ने अनेक जोड़े बनते बनते रुकवा दिए। पेट भरे या उत्सव मनाए, हुजूर ने सोचा कि उनकी उत्सव प्रिय प्रजा दुखी और वंचित है। उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है तो चलो हम कर लेते हैं। हुजूर ने गरिमा और गंभीरता से कार्यकारण का संबंध जोड़ते हुए अपना मंतव्य जाहिर किया। चीखे जनहित की यह खबर ले उड़े, आसमान गूंज उठा, प्रजा धन्य हो गई। सड़कों पर बेतहाशा हुजूम उमड़ पड़ा है। जाने कौन कौन तो आया है शादी में, जिनके सिर्फ नाम सुनते थे या नाम तक नहीं सुने वे भी। बड़ों ने थैलियां खोल दी, छोटों ने जेबें टटोली और रोने के लिए राजमार्गों के आसपास इकट्ठे होने लगे। बचे खुचे आंसुओं से उन्हें नगर की बेटी को विदा करना है। हुजूर ही नगर हैं, हुजूर सामर्थ्यवान हैं, वे नगर तो क्या देश तक हो सकते हैं। सारा नगर गौरव के सागर में डुबकी लगा रहा है। बारात लाने वाले भी महामहिम हैं, होने भी चाहिए। गावड़ी कहावत में लाखों चिट्ठियां फाड़ी गई हैं, ठट के ठट देहाती जेब में राज चिन्ह मुद्रित चिट्ठियां धरे राजपथ के किनारे खड़े हैं। एक बोला, भाई वाह क्या छवि है। महात्मा तुलसी कह गए हैं, सम समधी देखे हम आजू। सही है, सांप का मुंह सांप ही सूंघ सकता है। वह जेब में रखे निमंत्रण पत्र को उंगलियों से सहलाने लगता है। कल यह पत्र उसे फ्रेम में जड़वाना है। शाही सवारी देखने के लिए जन समुद्र ठाठे मार रहा है। जाने कहां कहां से जन्म जन्म के भिकमंगे किस्म के लोग अपनी दयनीयता को भरसक छिपाते हुए ठीक ठाक या फिटफैट आवरण धारण कर जमा है। आतिशबाजी जारी है। क्यों कर रहे हैं ये लोग आतिशबाजी? नहीं, ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, उस हवा का भी असर है जो बह रही है। पड़ जाए कहीं हुजूर की निगाह में, नाम भी पूछ लिया तो धन्य धन्य हो जाएंगे। नाम के सहारे कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे, पर उसे क्या जुगाड़ करना है? वो तो अपने परिवार का पेट भर ही रहा है, बहुत से लोगों की तुलना में अच्छे तरीके से। उसके लिए तो कोई चांस भी नहीं। चांस यानी भाग्य। वो थोड़ा सा ही सही सोचता क्यों है? चांस की फिराक में क्यों नहीं रहता? ये सोचना ही तो चांस को मार देता है। पत्नी और बच्चों को एक परिचित घर के छज्जे पर लटकाकर वो सड़क पर आया। सड़क के दोनों ओर सिर ही सिर, हर 10 कदम पर डंडाधारी वर्दी, बीच की सड़क 15 फुट साफ रखने के लिए। दबाव सड़क की ओर बढ़ता तो डंडा पीछे धकेल देता। शाही सवारी आने में अभी काफी देर थी। लाल बत्ती वाली गाड़ी थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच की खाली सड़क पर दौड़ते हुए प्रशासन की सतर्क उपस्थिति की याद दिला जाती थी। नगर की जनता धैर्य के साथ बतियाते गलियाते किनारे जमी थी। कोई बोला, यार बड़ा चुतियापा है, कब से खड़े हैं? अभी तक आ जाना चाहिए था टाइम के हिसाब से। क्यों, क्या तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हारी घड़ी की सुई के साथ चले? अरे ब्याह बारात की ठसक का मामला है, फिर राजाओं के रेले ठहरे, दूसरे ने कहा।
नहीं, मेरा मतलब अखबार में छपे कार्यक्रम से था। ठीक है, अखबार तुम्हारे मतलब से निकलता है यार। अखबार पढ़ते तो हम ही है ना, कौन साला कहता है कि नहीं होती। यही ना कि फला साहब को छींक आ गई, ढिंके साहब छुट्टियां मनाने किसी खास जगह गए, उन साहब ने गिरफ्तारी दी, वे साहब वॉकआउट कर गए, इन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने रैली का नेतृत्व किया। ऐसे अवसरों पर समय काटने का चर्चा से अच्छा कोई साधन नहीं होता। यही पता लगता है कि घुग्गू से लगने वाले और साहब के डर से बार बार पेशाब घर की यात्रा करने वाले व्यक्ति के भी अपने मौलिक विचार होते हैं। यहां तक कि उसे कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो सरकारें तक मजे में चल सकती हैं। खाली बैठा बनिया शेरबाठी तोले वाले अंदाज में कुछ और लोग भी हल्के हल्के मुस्कुराते चर्चा की ओर आकर्षित हो गए। गुटसा जमने पर कुछ दूर के तमाशाइयों की छठी इंद्रिया जागी। वहां क्या हो रहा है? वे उस तरफ बढ़े, कुछ और लोग भी बढ़े। क्या हुआ भाई? पता नहीं, एक आदमी जो पंजों पर उचक उचक कर ठो रहा था बोला। भीड़ का एक हिस्सा उस ओर बढ़ने लगा, दूर दूर से निगाहें उधर ताकने लगी। लॉ एंड ऑर्डर का खतरा भांप कर छोटा दरोगा कुछ डंडों के साथ लपका। वह पीछे था, आगे आदमियों की गांठ थी। डंडों ने थोड़े से चमत्कार का प्रदर्शन किया तो गांठ ढीली पड़ गई। अपने चूतड़ों को सहलाता वह जैसे तैसे किनारा पकड़ पाया। नहीं, यहां एक जगह खड़े रहना ठीक नहीं, इससे तो अच्छा कि वो सवारी के रास्ते आगे बढ़े। अभिवादन और श्रद्धा स्वीकारते हुए, हुजूर सवारी को यहां तक पहुंचने में जाने कितनी देर लगेगी, कुछ आगे बढ़ ले तो देखकर वह जल्दी घर लौट लेगा, बाजार की रौनक भी दिखाई आएगा। वो बढ़ लिया। शाही स्वागत में मुख्य मार्ग जगरमगर हो रहे थे, अनगिनत झालरें बल्ब रीतिकालीन कविता की भांति चकाचौंध मार रहे थे। विद्युत विभाग पूरी तरह मुस्तैद था कि आपूर्ति में बाधा ना आए, जनता की खुशी में खलल ना पड़े, अतः सीधे खंभों से बिजली लेने की मौन स्वीकृति थी। गलत सही बिलाने का कोई खतरा नहीं था, बिजली जी भर लुट रही थी। ये विवाह बार बार होना है क्या? बांस बल्लियां लोहे के पाइप सड़क की देह पर किए गए छेदों में ठुके अभिनंदन के भार से झुके झुके पड़ते थे। हजारों बैनर स्थाई थे जिन्हें कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी लटका लो। उसी संख्या में नई से नई प्रांजल और चिकनी भाषा में दमकते पोस्टर और बैनर फूल पत्तियों के बीच दांत निरोपते जान पड़ते थे। कई स्वागत द्वार तो इतने कीमती थे कि जिनकी लागत में बेचारे बापों की दो दो लड़कियां निपट जाएं। पेड़ों से नोची खसोटी हुई हरियाली मार्ग पर बिखेर दी गई थी। ऊंचे भवनों के आसपास परिंदे चक्कर काट रहे थे। ठूठ हुए पेड़ों के बीच उनके घर की पहचान खो गई थी। धक्के खाते धकियाते और बचते घिसटते हुए वह उल्टी दिशा में सरकता गया। मार्ग पर प्रतीक्षा बिखरी पड़ी थी जो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही गहरा गई थी। जन्म मरण चोरी डकैती बलात्कार दो तीन दिन से बिल्कुल बंद थे। अखबारों और चर्चाओं में सिर्फ शादी थी। आज तो उत्सुकता का चरम था और सारे शहर में आदमी के नाम पर सिर्फ हुजूर थे। वह सुस्ताने के बहाने एक जगह ठहरा। शिष्ट से दिखने वाले तीन चार लोग हटकर खड़े थे, भद्र जनोचित दूरी रखकर वो भी खड़ा हो गया। चार समझदार किस्म के लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान जरूरी होता है, वे भी कर रहे थे। क्यों भाई शैवाल जी, नमक तो बड़े बड़े पूंजीपति भी बनाने लगे हैं, हमारे घर भी टाटा की थैली आती है, पर ससुरा पता नहीं इस खानदान के नमक में ऐसी क्या बात थी कि पीढ़ियां बीत गई फिर भी शहर का आदमी कहेगा कि हुजूर का नमक खाया है। जाने किस प्रयोगशाला में बनता था इनका नमक। शैवाल जी ठहाका लगाते हुए बोले, चचा नमक बड़ा महिमावान पदार्थ है, वाजिद अली शाह का नाम सुना है? उसे भी छोड़ो, अपने बापू को चूतिए थोड़े ही थे कि यूं ही नमक आंदोलन चलाते। चचा मुंह फाड़ कर शैवाल जी की ओर देखने लगे। बगल के सज्जन दाढ़ी के बाल नोचते बोले, चाचा नमक वमक कुछ नहीं, जनता भी समझदार हो चली है, ये सब कौतूहल प्रियता है। लोग द ग्रेट जेमिनी सर्कस देखने के मूड में हैं। सुना है कि हिंदुस्तान भर के राजे रजवाड़ों ने अपनी अपनी पगड़ियां
आंग रखे तहखानों की संदूकों से निकाल धो पोंछ कर पहने हैं। थोड़ी देर में सड़कों पर आपको 18वीं सदी नजर आएगी। लोग 18वीं और 21वीं सदी का कॉम्बिनेशन देखने खड़े हैं। सवाल लोकतंत्र का है। लोकतंत्र क्या चीज है ये? आदरणीय, ये एक शब्द भर है जिसे उछाला जा सकता है, चुभलाया जा सकता है। इसके नाम से तुम अपने विरोधी पर हमला कर सकते हो, ताकत हो तो लकिया भी सकते हो। लोकतंत्र, समाजवाद वगैरह आज के अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव हैं। शैवाल जी बहस को भटकती देख मुद्दे पर लाए। दरअसल इसे लोकप्रियता से जोड़ना गलत है। अजूबे को देखने के लिए भीड़ उमड़ती ही है। आप प्रचारित कर दें कि शहर के फला मैदान पर सरेआम फांसी लगाई जाएगी, देखिए भीड़, शहर के चूहे तक वहां पहुंच जाएंगे। या प्रचार हो जाए कि 100 या 50 आदमी नंगे होकर ढोल नगाड़े बजाते गुजरेंगे, इससे दोगुनी भीड़ देख लेना। दरअसल लोग ढर्रे की जिंदगी में कुछ चेंज चाहते हैं, उत्तेजक किस्म का कुछ भी। रोज रोज का वही गीत है कि हाय महंगाई, हाय भ्रष्टाचार, हाय पतन, बीवी बच्चे घर ऑफिस अफसर, डरना भबकना। स्वयं कुछ बदलाव ला नहीं पाते तो कोई और ही ला दे। उनके लिए घंटे दो घंटे का तमाशा भी महत्वपूर्ण हो गया है। इन्हें खंबा नोश्ता छोड़कर वह भर लिया। मार्ग के दोनों ओर छज्जों बालकनियों पर महिला वर्ग अपने परंपरागत धैर्य के साथ पूरी राजी खुशी सहित जगह जगह डटा हुआ था। लगता था कि ये किसी भी घटना की महीनों इसी तरह प्रतीक्षा कर सकती हैं। वह दृश्यों पर दृष्टि फटकारता जा रहा था कि कंधे पर दबाव पड़ा। क्षण के किसी 100वें या 1000वें अंश को उसे गुदगुदी पैदा हुई, किसी कोमल हथेली का स्पर्श। दबाव बढ़ा। क्यों, हम भी तो खड़े हैं राहों में। वह मुड़ा। अरे तुम? हाँ, कभी कभार हम पर भी नजर डाल लिया करो। ये नागेश जी थे, स्थानीय अखबार के नगर प्रतिनिधि। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कुछ मस्त तबीयत के भी। दोस्तों के बीच स्वयं को नरक प्रतिनिधि कहते थे। कड़की के दिनों में कुर्राकर और गीले समय व्यास्तुति से बोले, कहो क्या राय है? उसने कहा, अपना क्या, राय तो तुम्हारी मालूम होना चाहिए, वही महत्वपूर्ण है। साथ चलते चलते नागेश जी ने कहा, दोस्त अपनी राय तो कल सबको मालूम हो जाएगी। हाँ, मेरी नहीं, अखबार की, अर्थात मालिक की, सेठ की। सेठ की क्यों, तुम्हारी क्यों नहीं? उसने उसे घूरा। तो सुनो एक किस्सा, निराला पर अखबार में एक अच्छा लेख छपा। हाँ तो टोको मत, सुनो। दूसरे दिन कुछ समझदार लोगों की प्रशंसा भरी चिट्ठी आई, दो चार फोन भी। अखबार सेठ अक्सर प्रधान या मुख्य संपादक कुछ ना कुछ होते ही हैं, सोवे प्रसन्न भय। गदगदायमान होकर उन्होंने अपने लेखक कर्मचारी को तलब किया। उससे शाबाशी का पहला ही शब्द कहा था कि कहीं से फोन आया। वे सुनते रहे, लगभग पटकने के अंदाज में उन्होंने फोन रखा। तो ये 5 कॉलम का अधपेजी लेख आपने लिखा था? सेठ जी की प्रसन्नता की सूचना लेखक कर्मचारी को मिल चुकी थी। वह सम्मान में दुहरा हो गया, जी जी बाबूजी। और जो रंगश्री मिल के मैनेजर साहब ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था, खिलाड़ी भावना पर भाषण दिया था, उनकी फोटो? उस खबर को कभी भी दिया जा सकता था, उस दिन निराला जयंती थी। तो भाई साहब, आप ऐसा करें कि ये निराला कौन है, उससे 10,000 के विज्ञापन ले आए, सेठ जी ने कहा। लेखक सिटपिटा गया। सेठ जी बोले, भाई साहब, जब आप निराला या जो भी हो उससे विज्ञापन तक नहीं ला सकते, तो हमारा दिवाला निकलवाने पर क्यों तुले हो? अगर ये तुम्हारा रिश्तेदार हो तो चलो डाल दो इसकी खबर भी, पर भाई साहब, इसके लिए 5 कॉलम और आधा पेज बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया? समझे श्रीमान? नागेश जी ने उसका हाथ झकझोरा। देश विदेश के कई पत्रकार इस समय शहर के आतिथ्य का सुख उठा रहे हैं। वर वधू दोनों पक्ष दाता खानदान हैं। यह अखबारी कलम का जमने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन्हीं जैसे दूसरे उखाड़ने के लिए। समर्थन और विरोध दोनों के लिखने वाले तय हैं। दोनों ओर से 5 सितारा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तुम्हें भी तो प्रसाद मिल रहा होगा, उसने पूछा।
तुमने वो कहावत नहीं सुनी, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। बात कुछ और आगे बढ़े कि दोनों के बीच भारी भरकम सी वर्दी आ गई। नागेश जी को शहर कोतवाल से हाथ मिलाता छोड़ वह तेजी से आगे बढ़ गया। वीसीआर पर रामायण का रंगीन प्रदर्शन काफी भीड़ को आसपास समेटे था। कोई सज्जन दुखी हो रहे थे कि ये ससुरा बाजी मार ले गया, भीड़ के कारण हुजूर का ध्यान इधर उधर जरूर जाएगा। अपने मंडप पर इससे चौथाई जमावड़ा भी नहीं, उनके अंतरंग से दिखने वाले ने सलाह दी, ऐसा करते हैं बॉस, अभी 15-20 मिनट का टाइम है, अपन लाकर ब्लूफिन चढ़ाए देते हैं। चिड़िया भी रामायण के पास रुक जाए तो नाम बदल देना। सलाह पर मुस्कुराता वह बढ़ा तो शाही सवारी की धूम थी। अजीब दृश्य था, अभिवादन और एहसान के बोध से फूलों के साथ बिछी बिछी जाती प्रजा और प्रजा परायणता को स्वीकारते हुजूर, मोतियों हीरों जाने किन किन चमकने वाले पत्थरों की झालरों में लिपटी पगड़ी और पोशाक, आंखों पर सूरज की रोशनी के साथ रंग बदलने वाले कांचों का चश्मा, जुड़े हुए आश्वस्त हाथ, उनकी बगल में भी हुजूर यानी पूरी प्रजा के सम थी। अगले वाहन में दिव्य दर्शन देते वर्वत, छायाकारों फिल्मकारों की गाड़ियों से चकाचौंधी उगलते कैमरे, अनगिनत साफे अंगरखे तलवारें कटारें पानदान पीकदान और सबसे पीछे हाथ जोड़े नगर का भविष्य यानी हुजूर ने उत्तराधिकारी युवराज, आगे पीछे अगल बगल वर्दी डंडे और संगीने। उसे एक और अनुभव से साक्षात्कार हुआ। वह हतप्रभ था, वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था, जाने वह चल रहा है या खड़ा था या भीड़ के साथ भुड़क रहा था। वह किसी से टकराया, अंधे हो गया, दिखता नहीं क्या, बारीक आवाज। उसे भय ने धर दबोचा, अगर वह चप्पल उतार ले तो, घिघियाते हुए उसने सॉरी कहा और रेला निकल जाने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके मफलर को उनसास से छूती कोई कालेजी तरुणी अपनी साथिन से कमेंट कर रही थी, सच्ची इसको कहते हैं शादी, पार्टनर हो तो ऐसी हो वरना हाय, तो चढ़वा दें, तेरा भी नाम दहेज की लिस्ट में, तू भी क्या याद करेगी, बोल। एक शैतान ख्याल उसके मन में आया कि शहर की जाने कितनी लड़कियां और महिलाएं इन ललुआते और चमकते चेहरों में अपने पति की कल्पना कर रही होंगी। सबके सामने तो ये देवरूप में दर्शन देते हैं, रात दिन रोटी की तलाश में झुलसा और बुझा घरेलू चेहरा इनके मुकाबले क्या टिक पाएगा। शहर की वर्ण संकर इच्छा के ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। उसकी पत्नी भी तो इन्हें देखने बैठी है। वह घबराया सा बच्चों को घर ले जाने के लिए लपका। शाह और शाही दंपत्ति को घूमकर जाना था। इसने सीधी संकरी और उबड़ खाबड़ गली पकड़ी। शहर के भूगोल से वह परिचित है। ऐसी हजारों अंधेरी गलियां हैं जो पीछे बंद हैं और आगे राजमार्ग पर खुलती हैं। कुछ बीच की सड़क भी है। 20-21 मिनट में उसने रास्ता काटा होगा कि गली के राजमार्ग वाले मुहाने से लोग बदहवास हांफते पीछे मुड़ मुड़ कर देखते गली में धसे चले आ रहे थे, जैसे ये उनकी सुरक्षा का किला हो। क्या हुआ भाई, पता नहीं उधर कुछ है, धोंकने के साथ एक ने इशारा किया। वहां राजमार्ग पर, हां वहीं कहीं, भागने वाला अब कुछ इत्मीनान में था। उधर तो सवारी आ रही है, पुलिस लगी है। बात पूरी होती कि एक देहरी पर आधे अंदर आधे बाहर नागेश जी दिख गए। वह तेजी से उनके पास पहुंचा। घबराहट तो नागेश जी के चेहरे पर भी थी, किंतु उसे देखते ही खिल गए। अरे कहां जा रहे हो, खोपड़ी खुलवानी है क्या, उधर पुलिस रिहर्सल कर रही है। वजह? वजह है मुर्दा, घबराओ मत, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, इधर आ जाओ बस, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करूं। हां ऐसे अच्छे बच्चे की तरह सुनो, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कल सायं इस अंधेरी गली में किसी जर्जर नाव का इकलौता खेव मनहार मर गया। घर कोठरी या दड़बा में एक अदद लाश और रेजगारी की कीमत के 3-4 अदद बच्चे। मुर्दे की बीवी बर्तन मांजने का व्यवसाय करती है। वह अपनी साइट पर गई थी, लौटी तब तक सड़कें रोशनी के दूध में स्नान कर चुकी थी। रात में अंत्येष्टि जैसा महंगा समारोह संपन्न करने की कुबत मुर्दे की बीवी में थी नहीं।
गांव में परिवार वालों को भी खबर करनी थी। रात बीती, दिन आया। शाही शादी का मजा छोड़कर गांव में खबर करने कौन जाता। खैर, जाने कैसे खबर हुई, गांव से 2-3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया। अर्थी रस्म हुई, तब तक सूर्य भगवान विश्राम करने चले गए। अब भाई साहब, ये जीव कोई राजा या नेता तो था नहीं कि रसायनों के उपचार द्वारा अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाता। जाड़े की अगली रात के 14 घंटों और ठंडी सुबह के 3 घंटे मिलाकर कल तक लाश बदबू मारने लगती। सो तय पाया कि शाही सवारी आने से पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया जाए। अब श्रीमान को हम वहां लिए चलते हैं जहां शाह हुजूर नंबर 1, 2, 3, 4 आदि चल रहे हैं। बिजली विभाग ने आज के खेल के लिए एस्ट्रोटर्फ इंतजाम किया है। लोग जी भर सुट्टे मार रहे हैं। सरकारी प्रेस की बगल में किसी खंभे, दुकान, स्वागत द्वार, राम जाने कहां आग लगी कि खतरा भांपकर प्रशासन ने शाही सवारी बीच की सड़क से मोड़ दी। उधर लोग निराश भले ही हुए हों कि लाखों की लागत से सजे धजे स्वागत द्वार धरे रह गए, पर पूरे 3 किलोमीटर का चक्कर बच गया। यूं यहां तक आते आते सवारी को देर लगती, पर शॉर्टकट के कारण वह जल्दी ही आने को है और इधर से मुर्दा घुस पड़ा। जाना तो दोनों को एक ही रास्ते से है। प्रशासन के समक्ष गहन समस्या उपस्थित हो गई कि पहले मुर्दा जाए या शाही सवारी। और प्यारे भाई, जब प्रशासन का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो लाठी काम करने लगती है। तुम्हें पड़ गई क्या, उसने पूछा। हो भी सकता है, शीघ्र पता नहीं चलता, चोट हमेशा बाद में तकलीफ देती है। अब चलो, मुझे पत्रकारिता भी करनी है, नागेश जी उसे खींचने लगे। वे गली के मुहाने पर पहुंचे। उचक उचक कर देखने से पता चला कि अर्थी बदस्तूर बीच मार्ग पर पड़ी है। कंधा देने वाले निरी याचना से पुलिस और भीड़ की ओर बारी बारी से टुकुर टुकुर कर लेते हैं। 8-9 वर्ष का एक बालक मुंडे सिर पर सफेद कपड़े का टुकड़ा लपेटे हाथ में धुंधाती हंडिया लटकाए खड़ा है। ये पांचों प्राणी और छठा मुर्दा पुलिस के घेरे में है। दरोगा, नगर निरीक्षक, डिप्टी सब परेशानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के घेरे पर दर्शकों का घेरा था। शाही सवारी की प्रतीक्षा में हो रही कोफ्त छंट गई थी। ये फिल्म के पूर्व ट्रेलर जैसी व्यवस्था थी। नागेश जी ने थैले से डायरी निकाली, हाथ में ली। अब जरा हटिए प्लीज, इन्हें निकलने दीजिए। हटो भी, सॉरी, आदि कहते हुए अर्थी तक पहुंच गए। इतने में ही सायरन बजाती लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। पुलिस कप्तान और डीएम उतरे। बजती हुई एड़ियों को अनसुना कर कप्तान ने नगर निरीक्षक को घूरा जैसे तलब कर रहे हो। अटेंशन की मुद्रा में उसने रिपोर्ट दी। सर, अर्थी है, कोई आदमी है मरा हुआ। कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, ऐसा ना हो कि वह उठ खड़ा हो। नो सर, सचमुच की लाश है। ओके, तुरंत ठिकाने लगाओ, पर देखो वक्त नहीं। लो, वे आ गए। कुछ भी करो, लाश दिखनी नहीं चाहिए। हरी अप, देखना है क्या कर सकते हैं। वे जीप में बैठ रास्ता साफ करवाने मुड़ ली। नगर निरीक्षक की अंतर्दृष्टि के सामने पुलिस पदक लहराया। जयघोष से आसमान गूंजने लगा था। फुलझड़ियां, पटाखे, फ्लैश, नगाड़े, चित्कार सितकार। शाही दंपत्ति की सवारी गुजर रही थी। मुर्दा बगल की ओर खिसका पुलिस के जवान व्यवस्था में इस तरह सटे खड़े थे कि पीछे की लाश दिखाई न दे सके। जवानों के आगे अर्थी को कंधा देने वाले भी खड़े कर दिए गए। उनके हाथों में फूल थे। सवारी गुजरने लगी। हुजूर के पीछे युवराज। अभिवादन स्वीकारते हुए उनकी निगाह हाथों में पुष्प लिए गुमसुम खड़े छोटे से बालक पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। चौंक कर लड़के के हाथों ने फूल उछाल दिए।